हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी फॉर नेट हम कर रहे हैं अपना टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड और आज हम देखेंगे हमारे टीचिंग के मेथड्स मेथड्स ऑफ टीचिंग सो लेट्स स्टार्ट वंस द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफाइड द नेक्स्ट स्टेप इज टू सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल मेथड टू अचीव दैम सबसे पहले जब हम अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को आ, स्पेसिफाई कर लेते हैं कि ये हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं हमें इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना है हमारा नेक्स्ट टाइम निकल कर आता है कि क्या अप्रोप्रिएट मेथड यूज़ करना चाहिए हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए अचीव करने के लिए द टीचर हैज़ अ नंबर ऑफ मेथड्स एट हिज डिस्पोजबल डिस्पोजल टू सिलेक्ट देम. दीज मेथड आर इज फॉलोअर्स टीचर के पास में काफ़ी सारे मेथड्स हैं इसमें दो मेथड्स निकल कर आते हैं टीचर सेंटर्ड मेथड्स एंड लर्नर सेंटर मैथड्स ठीक है तो सबसे पहले हम टीचर सेंटर टीचिंग मैथड्स देखते हैं कि टीचर सेंटर मैथड्स क्या क्या हैं इसमें आते हैं सबसे पहले लार्ज ग्रुप मेथड्स। लार्ज ग्रुप मेथड्स में क्या होता है कि हम एक साथ बहुत सारे ग्रुप को कवर कर सकते हैं एक साथ काफ़ी स्टूडेंट्स को हम कुछ लर्निंग या फिर कुछ नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं इसके हमारे पास में तीन मेथड्स हैं लेक्चर्स टीम टीचिंग टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन सबसे पहले हम देखते हैं लेक्चर मेथड कि लेक्चर मेथड क्या कहता है लेक्चर मैथड इज़ द मोस्ट कन्वेंशनल एंड डोमिनेटिंग टीचिंग मैथड एंड इज प्रेफर्ड बाय मैनी टीचर्स जो लेक्चर मैथड है वो काफ़ी टीचर्स के द्वारा प्रेफर किया जाता है इन दिस मैथड अ टीचर टू एक्सप्लेन फैक्ट्स प्रिंसिपल्स और रिलेशनशिप्स टू हेल्प लर्नर अंडरस्टैंड इस मैथड में जो टीचर है वो बहुत सारे फैक्ट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं या फिर प्रिंसिपल्स और रिलेशनशिप्स ताकि लर्नर को क्या हो ईजिली उनकी बात समझ में आ जाए वो ईजिली उनको अंडरस्टैंड कर लें हेयर द टीचर इज़ एन एक्टिव पार्टिसिपेंट द स्टूडेंट्स आर एज्यूम टू बी पैसिव लिसनर इट इज़ वन वे कम्युनिकेशन हमारा जो लेक्चर मेथड है वो कैसा कम्युनिकेशन है वन वे कम्युनिकेशन है क्योंकि यहाँ पे टीचर क्या है एक्टिव पार्टिसिपेंट होती हैं और स्टूडेंट्स पैसिव लिसनर्स होते हैं जैसे लेक्चर मेथड में पहले भी हमने कही थी पैडागोगी अप्रोच जहाँ पे टीचर ही बच्चों को बताता है कि उनको क्या लर्न करना है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं ठीक है द क्लास लिसन्स राइट्स एंड नोट्स फैक्ट्स फॉर एंड द आइडियाज फॉर रिमेंबरिंग एंड टू थिंक डैम ओवर लेटर क्लास क्या है उनके लेक्चर को सुनती है लिखती है उनके बनाती हैं ठीक है थीके? और उनको याद करती हैं ताकि आगे वो कुछ इन्हीं फैक्ट्स को इन्हीं आइडियाज को क्या कर सकें थिंक कर सकें और कुछ नई नॉलेज को क्या कर सकें गेन कर सकें ठीक है इट कैन बी मेड अ टू वे कॉम्युनिकेशन इफ द टीचर अलाउज स्टूडेंट्स टू आस्क फ्यू क्वेश्चन टू क्लैरिफाई अ पॉइंट बट नो डिस्कशन इज यूजली हैड ये टू वे कॉम्युनिकेशन बन सकता है लेकिन कब बन सकता है अगर टीचर अलाउज करे स्टूडेंट को कि वो बीच में कुछ न कुछ फ्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी पॉइंट को क्लैरिफाई करने के लिए लेकिन लेक्चर मैथड में डिस्कशन नहीं होता है लेक्चर मैथड में क्या होता है सिर्फ टीचर लेक्चर देता है और बच्चे उन चीज को नोट करते हैं जो भी क्वेश्चन uh, पूछने वाला सिस्टम uh, uh, यह है वो बाद में होता है लेक्चर के uh, बाद में जब बच्चे कुछ ना कुछ अपने डाउट्स या फिर न्यू आइडियाज लेकर आते हैं इस लेक्चर मेथड में कुछ लिमिटेशंस भी हैं क्या क्या लिमिटेशन है इट प्रोवाइड वेरी लिटिल अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट एक्टिविटी द टीचर टेक स्पेशल केयर टू मेक द क्लास इंटरेस्टिंग स्टूडेंट के लिए क्या है बहुत लिटिल अपॉर्चुनिटी मिलती है कि कोई उनको एक्टिविटी करने को दी जाए क्योंकि स्टूडेंट क्या होते हैं इसमें पैसिव लिसनर्स होते हैं द टीचर टेक स्पेशल केयर टू मेक द क्लास इंटरेस्टिंग इसमें टीचर क्या है वही ध्यान रखती हैं कि कैसे उसकी क्लास को वो इंटरेस्टिंग बना सकती हैं कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ को एड करके इट यूजअली डज़ नॉट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू लर्नर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इसमें लर्नर्स को कोई भी किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती है ज़्यादातर कि वो आ, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करें द इंटरेस्ट एबिलिटीज एंड इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट्स आर नोट टेकन टेकन केयर ऑफ इसमें स्टूडेंट्स के क्या क्या इंटरेस्ट हैं क्या क्या एबिलिटीज हैं क्या क्या इंटेलिजेंट इंटेलिजेंस हैं वो नहीं ध्यान में रखा जाता यहाँ पे बस मेन काम क्या होता है कि टीचर अपना लेक्चर देता है बच्चे उनको नोट करते हैं और बाद में उसको याद करते हैं या फिर नए नए आइडियाज वहाँ से डेवलप करते हैं यही क्या था हमारा लेक्चर मैथड सेकेंड है हमारा टीम टीचिंग मेथड। टीम टीचिंग मेथड का क्या मतलब है टीम टीचिंग इज एन इनोवेटिव अप्रोच इन टीचिंग लार्ज ग्रुप्स इन विच टू और मोर टीचर्स आर इन्वॉल्व इन प्लानिंग एग्जीक्यूटिंग एंड इवैल्यूएटिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। टीम टीचिंग मेथड एक इनोवेटिव अप्रोच है जहां पे टीचर्स क्या करते हैं दो या तीन टीचर्स मिलकर ग्रुप बना के कोई भी प्लानिंग करते हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं या फिर उसको इवेल्युएट करते हैं लाइक like? सॉरी <coughs> दो या तीन टीचर्स या कोई भी टीचर्स का ग्रुप ले लो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हमें इस इस तरह से पढ़ाना है ये टॉपिक आप करवाइए ये टॉपिक मैं करवाऊँगी या एक ही टॉपिक को तीन चार टीचर्स मिलकर करवाते हैं वही क्या होता है हमारा टीम टीचिंग मैथड होता है ये ईजिली मतलब हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि उन्हें नई नई नॉलेज क्या गेन होती है टीचर्स क्या है मतलब मिलकर पढ़ाते हैं ग्रुप में पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए भी इजी हो जाता है कि उनको अलग अलग टीचर्स से पढ़ने को मिलेगा और कुछ नई नई नॉलेज गेन होगी और वो ईजिली उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे लेकिन इसकी भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन हैं फाइंडिंग टीचर्स विद स्पेशल इज़ अ डिफिकल्ट टास्क मतलब ऐसे टीचर्स को ढूंढना जैसी कॉम्पिटेंसीज आप में है वैसे ही सब में हो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है जरूरी नहीं है कि जैसा टीचर आप चाह रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए वैसा आपको मिल ही जाए मोर टीचर्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस मैटर काफी टीचर्स uh, की इसमें जरूरत पड़ती है दो या तीन टीचर से कुछ नहीं होता मतलब स्टूडेंट्स मान लो ज्यादा है तो ज्यादा टीचर्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी रिक्वायर्स मच टाइम फॉर प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग इसमें क्या होता है कि कोई भी प्लानिंग करने के लिए या फिर किसी भी टॉपिक को देखने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए हमें कि अच्छे से हम उसको प्लान करें अच्छे से उसको स्केड्यूल करें कि कौन सा टीचर कब वो क्लास ले रहा है या फिर कब ये वाले लेक्चर स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाएगा तो ये इसकी क्या हो जाएगी लिमिटेशंस तो ये था हमारा टीम टीचिंग मेथड नेक्स्ट है हमारा टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है टीवी आजकल हम देखते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं ठीक है वही क्या है टीवी के थ्रू या वीडियोस के थ्रू बच्चों को कुछ भी लेक्चर uh, देना वही क्या होता है हमारा टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन इट इज़ एन इम्प्रूवड प्रेजेंटेशन ऑफ रेडियो और ऑडियो प्रेजेंटेशन एंड इट कैन वर्चुअली ब्रिंग द होल वर्ल्ड इनसाइड द रूम ये क्या है इम्प्रूवड प्रेजेंटेशन है किसकी रेडियो और ऑडियो प्रेजेंटेशन जैसे पहले के टाइम में क्या चलते थे रेडियो चलते थे वहीं पे कुछ ना कुछ हमें न्यूज सुनने को मिलती थी जैसे आजकल ऑनलाइन लेक्चर चल रहे हैं वहाँ पे रेडियो पे चलते थे या फिर सिर्फ ऑडियो चलती थी लेकिन अब क्या है ये टीवी और वीडियो के बारे में हम पूरे वर्ल्ड को एक ही क्लासरूम में लेकर आ सकते हैं स्क्रीनिंग और वीडियो प्रेजेंटेशन इज फॉलोड बाय अर डिस्कशन और टास्क एक क्या है सामने एक टीवी है उस पर कुछ ना कुछ लेक्चर चलता रहेगा वीडियो चलता रहेगा स्टूडेंट्स उसको देखते रहेंगे और उस पर कोई ना डिस्कशन या फिर टास्क करते रहेंगे लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं क्या लिमिटेशंस हैं लेस पॉसिबिलिटी फॉर टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबिलिटी कम रहती है किसकी टू वे कम्युनिकेशन की ठीक है मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पर वीडियो चल रहा है तुरंत स्टूडेंट कुछ ना कुछ उनसे आ, पूछ लें तुरंत या फिर अपना फीडबैक दे दें ऐसा नहीं हो सकता ये भी वन वे कम्युनिकेशन होता है देयर कैन बी डिफिकल्टी इन एडजस्टिंग टू कॉम्प्लिकेटेड स्केड्यूल्स टू टेलीकास्ट पीरियड मतलब जो भी कॉम्प्लिकेटेड स्केड्यूल्स है बहुत सारे लेक्चर्स एक साथ चलते हैं तो उनको मतलब जिस हिसाब से टेलीकास्ट करना है कौन सा लेक्चर कब टेलीकास्ट करना है उसमें थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है उसको एडजस्ट करने के लिए ठीक है तो ये था हमारा टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन ये हमारे लार्ज ग्रुप मेथड्स में है जहाँ पे हम लार्ज एरिया लार्ज स्टूडेंट्स को कवर कर सकते हैं कोई भी नॉलेज को प्रोवाइड करवाने के लिए ठीक है ये थे हमारे टीचर सेंटर टीचिंग मेथड्स ये हमारा आज का लेक्चर वन है आगे हमारा जो मिक्स ग्रुप टीचिंग मेथड्स और लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड्स हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे तो आज के लिए थैंक यू आई होप आपको समझ आया हो और मेरी वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू